1898 में अंग्रेज़ों को ऐसा क्या ख़तरा महसूस हुआ कि उन्होंने इस दरख्त को ही गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने इंसान और जानवर ही गिरफ्तार होते देखे होंगे, लेकिन 1898 में कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने इस दरख्त को ही गिरफ्तार कर लिया। ये बरगद का दरख्त पाकिस्तान के कौन से सूबे में वाकिया है, इससे अभी तक ये जंजीर रिमूव क्यों नहीं किए गए, आज की वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। और वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे हकायक आपको बताए जाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। हकायक को जानने के बाद आप पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करेंगे। इस गिरफ्तार शुदा दरख्त की कहानी 1898 में उस वक्त शुरू होती है जब एक अंग्रेज आर्मी का ऑफिसर अपने कमरे से शराब पी के निकला। मौजूद नाजरीन, वो जब शराब पी के निकला तो वो चलता जा रहा था, चलते चलते उसकी इस दरख्त से टक्कर हो गई, इसलिए उसने इस दरख्त को अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। और उसके सिपाहियों ने उस ऑफिसर की बात मानते हुए उस दरख्त को फौरन जंजीर डाले। मौजूद नाजरीन, एक और लोगों के ग्रुप का ये कहना है कि अंग्रेज ऑफिसर जब अपने कमरे से शराब पीकर निकला तो उसने कहा, एवरीथिंग शुड बी साइलेंट, सब खामोश हो जाएं, लेकिन हवा की वजह से इस दरख्त के पत्ते हिल रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, इसलिए उस अफसर ने इसको अपनी तोहीन समझी और अपने ऑफिसर्स को कहा कि इस दरख्त को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर मौजूद उसके मताहत फौजियों ने उस दरख्त को फौरन जंजीर डाल दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरसगीर से 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन इस दरख्त से इन जंजीरों को क्यों नहीं रिमूव किया गया। मौजूद नाजरीन, लोगों का कहना है कि ये दरख्त अंग्रेजों की जानब से बरसगीर में किए जाने वाले मुजालम की अक्कासी करता है। मौजूद नाजरीन, के दरख्त अपने बड़े बड़े जंजीरों के साथ आज भी पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर लंडी कोतल में मौजूद है और लोग आज भी वहां पर जाके इस दरख्त के नज़ारे करते हैं। आइए अब पाकिस्तान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। फैक्ट वन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया का हाईएस्ट एटीएम नस्ब है। फैक्ट नंबर टू, पाकिस्तान में मौजूद केवड़ा साल्ट माइन दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। फैक्ट नंबर थ्री, दुनिया के सबसे बड़े बरेआजम अंटार्कटिका में भी पाकिस्तान का रिसर्च सेंटर मौजूद है। फैक्ट नंबर फोर, पाकिस्तान में हाईएस्ट पोलो ग्राउंड वाकया है। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।